हेलो फ्रेंड्स, मेहताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो ओएलपी के चेक करने के बारे में है। ओएलपी चेक करेंगे कि किस प्रकार इसको चेक कराया जाता है, ये ख़राब है या सही है, और इसकी पूरी टेस्टिंग किस प्रकार से करना है, तो आज हम आपको ये हम बताएंगे। ये हमारे पास दो टाइप के ओएलपी है, एक देखिए ये ओएलपी है और दूसरी ये है इस टाइप की ओएलपी है, तो इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करने के लिए हम यहाँ पर सीरीज का इस्तेमाल करते हैं कि ये देखिए आपको यहाँ पे मैंने ये सीरीज है, देखिए चल रही है। अब ये हम ओएलपी के एक ये वाले पॉइंट पे लगाते हैं और एक ये नीचे वाले पॉइंट पे, यानी कि ये बता रही है ठीक। ये देखिए ये सही है, मगर अभी इस ऐसे चेक करने से ये हम क्लियर नहीं कह सकते हैं कि ये सही है, हो सकता है डायरेक्ट होगी तब भी बताएगी। तो हम अभी ये वाले ओएलपी को चेक करते हैं, देखिए ये वाली भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बता रही है। तो अभी इसकी टेस्टिंग कैसे करना है कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ओएलपी को हम थोड़ा सा हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होगा कि इसका जो है ये कट हो जाना चाहिए, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद ये ऑपरेट हो जाना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो फिर हम ये समझेंगे कि ये हमारा ये ओएलपी पूरी तरह से काम कर रहा है, यानी कि अगर बाय चांस कंप्रेसर नहीं चलता है तो ये हमारा ओएलपी कट कर देगा। अगर ये डायरेक्ट रहेगा तो ये कट तो नहीं करेगा, मगर आपका कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। तो इसको हम चेक करेंगे कैसे, तो इसको हम ले कर सबसे पहले यहाँ से हम ये इसको हीट करेंगे, ये हीट करने के बाद अब हम इसको सीरीज से देखेंगे। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको हीट करने के बाद ये वोल्टेज उसका कट हो गया। अब ये मैंने सीरीज वाले तार इसमें लगा दिया, अब ये थोड़ी देर बाद इसको ऑपरेट होना चाहिए। अगर ये ऑपरेट हो रहा है तो हमारा ये ओएलपी पूरी तरह से काम कर रहा है। अब हम देखते हैं, थोड़ा वेट करके देखिए, ये ऑपरेट हो गया, यानी कि ये ओएलपी पूरी तरह से सही है। तो ये सिस्टम होता कैसे है, ये किस हिसाब से कट होता है, ये आपको पूरा थोड़ा बता देते हैं डिटेल में। देखिए सबसे पहली बात तो ये हमारे पास एक ओएलपी है, खुला हुआ ओएलपी है, तो इसमें क्या रहता है, इसके अंदर रहती है एक स्प्रिंग, आपको अच्छी ये देखिए बता सकते हैं, ये जो है ये स्प्रिंग जो है पूरी हीटर वाली जैसी होती है, उसी टाइप की होती है। जैसे हमारा कंप्रेसर ऑपरेट नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि ये कंप्रेसर का जो वहाँ पर जो करंट जाता है वो ऑपरेट ना होने की वजह से करंट पूरा जो है इधर ओएलपी पे आ जाता है। ये जो स्प्रिंग होती है ये हीट हो जाती है, ये हीट होने के वजह से जैसे मैंने अभी माचिस से उसको जला के हीट किया है तो कट किया है, तो वैसे ये स्प्रिंग के ज़रिए से कट होता है। और जब ये कट होने के बाद थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद फिर ये ठंडा होने के बाद फिर से ये ऑपरेट हो जाता है। तो इसका बस यही काम होता है, और ये वाला जो है इसको हम गर्म करके टेस्टिंग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ये ऊपर और नीचे साइड इसमें प्लास्टिक होती है जिसके कारण से, मगर काम जो इसका सेम टू सेम होता है, इसके अंदर भी वही एलिमेंट होता है जो हीट होने के वजह से पत्ती को कट कर देता है और ठंडा होने के बाद फिर ये ऑपरेट हो जाता है। तो ये हमारा ओएलपी इस डिजाइन से चेक करते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इसी प्रकार से काम करती है, यानी कि थोड़ी देर के बाद में ये ऑपरेट हो रही है, तो इसके माना जाता है कि हमारी ओएलपी पूरी तरह से काम कर रही है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।